हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेमत खाना और मैं हूँ नेमत। आज की रेसिपी है स्ट्रीट चाय दुकान वाली गर्मा गर्म झागदार कड़क चाय। बहुत ही बेहतरीन बनती है और जब इसे आपको बनाना आ जाएगा तो रोज़ ही आपके घर में कटिंग चाय बनेगी। रेसिपी कोई ख़ास नहीं है, बस इसकी एक टेक्निक है और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको चाय का सही रंग दिख सके और सारी टेक्निक आपको पता लग जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने होल गरम मसालों का इस्तेमाल किया है, तो इलायची का खोल लें और लौंग का सर तोड़ लें। इन चीज़ों को एक चौड़े मुँह के बर्तन में डालें जिसमें आपको चाय बनानी है। अपनी पसंद का भी कोई गरम मसाला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी और अदरक डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही ये स्किन के एलर्जी से भी बचाता है। मैं यहाँ पर 2 कप चाय बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। दूध और पानी का रेशियो 3:1 है, यानी 300 ml दूध है और 100 ml पानी है। मैंने टाटा गोल्ड पत्ती का इस्तेमाल किया है जिसका व्यू आपको नहीं मिल सकेगा। दूध मैंने अमूल ताज़ा का टेट्रा पैक इस्तेमाल किया है। चाय के बर्तन को तेज़ फ्लेम पर रखें और जैसे ही दूध में उबाल आए फ्लेम को धीमा कर दें और चाय बनाने का सारा प्रोसेस धीमी आंच पर करें। जो मलाई बर्तन के किनारियों से चिपक गई है उसे खुरच कर दूध में शामिल कर लें, इससे चाय सौंधी भी बनेगी और मज़ेदार भी होगी। चाय बनाने का ज़्यादातर काम हमें धीमी आंच पर करना है, इसलिए चाय बनने में समय ज़्यादा लगेगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे चाय ने कलर पकड़ना शुरू कर दिया है। चाय को हमें ज़्यादातर समय तक सुला कर रखना होगा, यानी धीमी आंच पर गुनगुनाते हुए सिम पर ही चाय बनानी होगी। अगर आप चाय में कलर लाने के लिए ज़्यादा पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो चाय का कलर कड़वा हो जाएगा और रंग काला हो जाएगा। और अगर आप इसे तेज़ आंच पर जल्दी से बनाना चाहेंगे तो चाय जलकर सूख जाएगी, तो इसे समय देना ही पड़ेगा। और इसे फेंटने के लिए लंबे हैंडल वाला स्पून का इस्तेमाल करें। ऊपर से चाय गिराने पर झाग बनता है, इसीलिए लंबे हैंडल से चाय को कई बार ऊपर नीचे करना होता है। यहाँ पर मैंने पॉट में डालकर चाय को ऊपर से नीचे गिराया है ताकि कप में झाग दिखे, और दूसरी चाय को मैंने ग्लास में परोसा है ताकि आपको इसका फुल व्यू मिल सके। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं कि हमारी चाय कैसी तैयार हुई है। अगर आपको इसका कलर पसंद आए और इसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो आप इसे आज ही, बल्कि अभी ही इसे बनाकर देखें, टेस्ट करके देखें। पसंद आए तो अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। अगर पहली बार चैनल को विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया।